हेलो जी, स्वागत है आपका मेरा पार्ट टू में। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं नानी के घर पे और मैंने भी अपना यहाँ पे आउटफिट चेंज कर लिया था, तो लेट्स गो, चलते हैं। आई एम सो एक्साइटेड। तो हम पहुंच गए हैं शादी में बिन बुलाए मेहमान। रिटायरमेंट से? रिटायरमेंट किसकी? मम्मी की। ये हम पहुंच गए हैं नानी के घर पर। मम्मी ने देखती है डिंग 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 डिंग। अरे तने कपड़े भी चेंज कर लिए? यस, मैं बहुत सारे आउटफिट ले आ रही थी। अरे ये चोचे ले रहा हूं। थैंक्स। साबित रास्ते बढ़िया है ना। हम आ गए नानी के घर पर गाइस। मम्मी ने लेने दिया और मैं संस्कारी बहू बन गई। दिखावटी क्या? दिखावटी इसमें दिखावटी क्या है? बहू तो वही है। एक कपड़ों से संस्कार पता चलते है क्या? नहीं बस, तो फिर बोलने चालने से, रहने सहने से, सब चीजों से पता चलता है। हाँ तो बोलना मेरा अच्छा है, रहना सहना मेरा अच्छा है। किसने बताया? तो मेरी मम्मी से पूछ लो, सब तक पूछ लो। हाँ पापा मम्मी से पूछवाओगे तो मेरे से पूछ कर देखो ना। हाँ चलो आप भी बता दो। लो आपके साइड ही कैमरा है, बताओ आपकी वाइफ संस्कारी है या नहीं, जानना चाहती है आपकी यूट्यूब फैमिली। यूट्यूब फैमिली जानना चाहती है? हाँ है तो सही। हाँ लेकिन? हाँ लेकिन। हाँ कभी कभार बिगड़े हुए बच्चों वाली हरकतें कर देते हैं। ओ ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे, लाइक एग्जांपल दिया जाए। चलो बाद में देंगे, अब तो हम पहुंच गए हैं। तो ये लो जी, फाइनली हम पहुंच गए थे नानी के घर पर। फिर सारे बैठ गए, फिर सारा ने अपना मस्त बात करी, सारा खूब मजे करे। फिर उसके बाद हमारे जान का टाइम हो गया था। अमन ने बोला चलो ना, तो ज़्यादा लेट हो जाएंगे, जाम में फंसेंगे। लेकिन नानी का बिल्कुल भी मूड नहीं था, नानी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा। तो मम्मी नानी ने समझा लागी कि अगर ज़्यादा लेट जाएंगे तो फिर अंधेरा हो जाएगा, ट्रैफिक हो जाएगा। उसके बाद हम चल पड़े और ये देखो गाड़ी की आदत काटना मुश्किल हो जाए गलियाँ मत, क्योंकि छोटी छोटी गली थी यार, और फिर उसमें गाड़ी फंसाना मुश्किल है। तो हमने धीरे धीरे काट ली और फिर फाइनली हम चल लागे। ये देखो कितना मस्त व्यू है यार यहाँ का। और उसके बाद फिर मैंने भूख लगा लगी, तो हमारे पास ऑलरेडी हम घर तक ही लेकर गए थे कुरकुरे का पैकेट, मगर चलो यो एक खा ले। तो कुछ कहा था वो तो तुम बताओगे ना, क्या कहा था? मैंने बोला था कि फोटो खिंचवा ले, मेरा फोटो खींच दिए अत्याना करवाऊंगी अत्याना। कोई ना मम्मी, आगर ले पे रोक दे। मैंने अपने तो कहीं नहीं रोका मन, कहीं आगे जगह है यार, अभी रोकोगे फिर ठीक है। मैंने सोचा अपने नुहे ले जाते हो भूखे प्यासे। कौन किसका बैग है? कौन किस टाइम पे भी जाम इतना? मैं क्या करें, जाम ही जाम है, पिछले आधे घंटे से जाम में ही खड़े हैं। जब भी कह रही हूँ कहीं खिला लो, क्या पता खुल जाए। जा सो बात। हाँ खुल लिए, ऐसे खुलने वाले हो ना तो काम ये मेरा किसी बड़े तक पेट भर खाना खुआ दो, उसकी दुआ लग जा। इबा के कोई टपड़िया होगी ना उस पर खाना लेकर ना खवाऊ। अरे हाँ मैं समझ गया इशारे। टपड़ी अमन आपने तो कहीं ना रोकी, आप तो ना किसी में घर ले जाओ हो। कहाँ, अभी तो वो रह रहा है ना रसोई। तो क्या रसोई में खिलाओगे? रसोई में नहीं, रसोई में ही सारे ढाबे हैं। अब ये देख लेना कहीं घर वाली रसोई न तो ना कह रहे हो आप। ना ना रसोई में ही सारे ढाबे हैं, देख लेना कहीं घर वाली रसोई में खिलाते हो खाना। चेक कर सकते हो, अभी तो रसोई के पास नहीं पहुँचे हैं। देख लो गाइस, ये नूना बेरा या घर वाली रसोई में खाना खिलाएंगे या बाहर वाली रसोई में। हाँ। बस नू लगा लो, रसोई द्वारा पहुंचने वाले हैं। ये रसोई वाली रसोई है का ढाबे वाली रसोई है का गांव वाली रसोई, जिस गांव का नाम है रसोई गांव। अच्छा गांव का भी नाम है मेरी रसोई? हां सही में कहीं भी गांव वाला रसोई है नाम है इस गांव का। अच्छा फिर तो इस घर इस गांव में कितने रोटी खाया हो है ना। हां सही है। जाम देखे मम्मी क्या किलोमीटर लंबा है भाई, सिंगो बॉर्डर का तो जाम पाना ही पाना। अंतियाना पाया नहीं होगा, जानतियाना तो अंतियाना भी थार जामतियाना भी है, दुर्गति है मारे जैसे मानसा की, देखो ना कितना व्हीकल ही बाड़ा। लेकिन आज तो संडे है। संडे हो चाहे कुछ हो, फिर ये दुनिया जा कहाँ रही है? अपने अपने काम सर है। लेकिन संडे को कौन सा काम होता है?
तू ये पर्सनल काम नहीं है क्या? फिर तू क्यों आज काम संडे ने लकड़ी करता है? हम तो अपने लेने आए थे। फिर दुनिया सब नुए आ रही ये है। भी अपने यारे पैरा ने कपड़े काम देंदे पहले कट रहे होंगे। अच्छा ये जो करिया टीका है अपने कमर्शियल गाड़ी है अपने ट्रैवलिंग का काम कर रही है होंगे। आते फिर वो सवारियां ना चंडीगढ़ दिल्ली दिल्ली तो चंडीगढ़ ये काम चलता है 200-300-400 रुपए सवारी अड़का हुआ भारी। वाह यो सही है। ये क्यों डिस्टर्ब ब्लॉक कर रखे मैंने? ये ब्लॉक नहीं है वो आगे तक देखो पूरा ब्लॉक है। जाम देखो कितना तगड़ा है। पिछले एक घंटे में ये छोटा रास्ता पार नहीं हो रहा। ये बोले जो तो हट वो तो किसान तो हट गया ना वो तो चले गए ना किसान वो बेशक से कुछ हो इनको उस चीज से फर्क थोड़ी ना पड़ता है। इनको फर्क पड़ता है आम इंसान को दुखी करवाने से। वही तो देखे ऊपर इतने बड़े बड़े पत्थर मैं तो खोल दे तनु दुखी तो ना हूं मैं। ये पूरा रोड जाम है कुछ पूरा बता एक निकल की जगह बस भाई रिस्क ले लेके फंसा फंसा के आना पड़ता है। ये देख ऊपर देख यहाँ देख तार देख ऊपर ये काटे वाले तार लगा रखे तार ही तार है पूरे आगे और वो देख कंटेनर कैसे डाल रखे हैं ऊपर पूरे तार ही तार थे यहाँ तक जाकर थोड़ा बहुत। अरे ये कंटेनर देख ऊपर तक कंटेनर पड़े हैं 19-20 का। अरे कद खुल लगा बेराना ये भी 19-20 का फर्क हुआ है जाम में। और जाम पाओगा एक एक अपने पास दो रास्ते हैं या तो नरेले के या अलीपुर के देख लो। फिर रसोई रसोई से ही बढ़िया जगह लेके जा रहा हूँ फिलहाल। जगह ऐसी है दादा ले पोता पड़ताल की एक भी बताऊंगा बार बार न कहोगे उड़े लेके चलो। अच्छा फिर ठीक से तो उड़े चलो फिर देखेंगे दादा ले पोता पड़ताल है सब ने बेरा लाग जाएगी वह जगह तो आ जान दे के बात होगी सब ने ना ना फिर वह जगह सीक्रेट खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं फिर के बात होगी। देखो अब कितने सारे बंदर है यार कितने हुआ बंदर रहा है कते पीछे भी थे हमें कहाँ पहुँच गए हमें अभी तो उंदा भी है अभी वो रास्ता आया नहीं है जहाँ पे हमें जाना है ना। रसोई 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 तो होगी फुर रसोई में तो खाना खिलाऊंगा मैं रसोई में लेके गया था। अच्छा फिर और जब मैं रसोई के वहाँ पहुँचा ना तो मैंने तुम्हें आवाज दी 2-3 बार तुम सो गई यार के जुलम हो गए एक लटका ले लिया तो मैंने ही लाया खूब अमन नहीं खूब तो नहीं तुमने बोला मेरे को सोने दो अभी यार अमन ऐसा तो कुछ नहीं है मैं इतनी भी सोमतड़ी नहीं हूँ। और तो रन तुमने नींद में ये भी बोला कि मैं घर जाके ही बनाऊंगी अब तो रसोई में अपनी में ये झूठ बोल रहे हैं नहीं ले जाने के बहाने ये इनके ये बात नहीं है अमन देख लो गाइस ये पहले बोल रहे थे कि वहाँ खिलाऊंगा वहाँ से अब वहाँ से वहाँ देखा आखिर में घर की रसोई आई मेरे को पता थी तुम घर की रसोई में लेके जाओगे। वाह अमन वाह गाइस देख लो इन्होंने मेरे साथ सही बैंड बजाई इन्होंने मेरी ये घर की रसोई में ही लेके जाएंगे मेरे को और अब मेरे को ही पका के इनको खिलाना पड़ेगा है गाइस मैं सही कह रही हूँ? नहीं गलत कह रहे हो मैं सही में लेके जा रहा था लेकिन तुमने देखा वहाँ पे क्या हुआ है हमारा एक घंटा रास्ता खराब हो गया रस्ते पूरे खराब होने की वजह से सारे रस्ते ब्लॉक मिले ऑलमोस्ट सारे। फिर ये रसोई पेंडिंग है आपके आपके नाम? हाँ कोई नहीं रसोई नेक्स्ट संडे कहीं पे भी लेके जाना है हाँ, खाना खाने के लिए जायका भी मोमोज पक्के तुम्हारे यार प्लीज कॉम्प्लीमेंट्री नो अच्छा कॉम्फे ठीक है। चलो गाइज ये हम बहुत ज्यादा थक रहे हैं हमारी पूरी बैंड बज गई एक घंटा हमने पूरा रास्ता ढूंढने में हमारी काली बैंड बज गई। तुम किस बस के पीछे 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 भी तो बस थी मेरे उसने तो किसी की शर्म ना करी उस बस ने तो। फाइनली हम आ गए घर पे ये हालत हो रही है खराब तीनों की मतलब वो सफर अच्छा था हमारा है ना हाँ, सफर अच्छा था पर जो उस एक घंटे ना खराब कराया ना उस सफर तो मूड पूरा टोटली वेस्ट हो गया।
फिलहाल मैं पापा तो... ये लो हम आपकी वाइफ को ले आए हैं, है ना मन? राम राम करे हैं। हाउ क्यूट। ओ भाई साहब हालत डाउन डाउन डाउन। उसे एक घंटे ने कती माटी पीटती मारी, नहीं तो मस्त रसोई में खा का होए। ए बड़ा खाना बनाना पड़ेगा गाइस। क्रेडिट गोस टू अम्मी मान। जाम जाम नहीं आपने जाम प्लस रास्ता खराब। आपने वो एक फ्लाईओवर छोड़ दिया। मेरी गलती नहीं थी। नहीं गलती नहीं थी, पर छोड़ा तो बाय मिस्टेक रह गया। अब बाय मिस्टेक बता बस बाद ना, मैं लेके तो तुम्हें वहीं पे जा ही रहा था। या वो तो शुद्ध पति है। ये देखो जी ये हवा रसोई जिसकी अमन बात कर रहा था, कहीं नहीं खाना खिलाया। आके मन ने मम्मी ने सारा काम करा, मम्मी ने बर्तन धोए, इतने मैंने खाना बनाया, फिर उसके बाद फिर हम तीनों ने मतलब तीनों ने खाना खाया, फिर जाकर रेस्ट करे। आज तो थक गए। क्यों? ट्रैवल करके वो जो एक घंटा सेध गया ना, वो सेध गया मेरे जो हम रसोई में ना गए। अगर हम रसोई में चले जाते तो मैं ना थकती। कोई बात नहीं। क्या कहना चाहते हो? जो हुआ सही हुआ। क्या सही हुआ? मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई। क्या पता कुछ अच्छा ही हुआ हो, ऊपर वाले ने सही करवाया हो कुछ। ऊपर वाला बी पॉजिटिव। ऊपर वाला तो हमेशा ही अच्छा करवाता है, वो तो हम लोग गंदा करते हैं ना, मतलब अपने हाथों से गलत काम। अच्छा जो भी कह लो, कोई बात नहीं। बी पॉजिटिव देखते हैं, लेट्स सी कब तक पॉजिटिव रहेगा गाइस। हमेशा रहेगा। मैं तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं तो थक गई, मैं तो जाऊँ सोन। चलो बाहर घूमने चलते हैं। ना ना मैं आज कती मत को ना साढ़े। चलो ना यार, तुम भी सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। हाँ तो क्या होगा, मैं तो चला जाऊँगा। अभी बजे हैं 10:40, मैं तो बस अब सो रही हूँ। राम राम सर। क्या जब देखो सोना सोना। चलो बाहर घूमने चलते हैं। आप जाओ कहीं जाओ, मैंने छोड़ जाओ। हाँ तो सही चला जाऊँ। मेरे लेखा तुम मन तो जाओ कितना जाओ। सुखदेव जाओ कितना जाओ, पर मैं कितने नहीं जाऊंगी आज। रेस्ट अब कहीं नहीं जाएगी ना पक्का। नहीं नहीं 2 या 3 घंटे का रेस्ट दे दे बस तुम मने। वो तो गाड़ी में बैठे बैठे सोते रहना। तुम सोने कहाँ देते हो? अगर तुम्हारी कोई साइड वाली सीट पर बैठ जाए और वो सो जाए तो वो फिर तुम्हें हजम नहीं होता। कोई ना, जैसे डिग्गी में बैठ रहे थे ना आज। वो मैं बैठ कर देखू थी पहली बार, फर्स्ट एक्सपीरियंस। डिग्गी में गल गए थे। उम्मीद नहीं थी कि इतना स्पेस होगा कि मैं उधर आ जाऊंगी। तो गाइस चलते हैं अब हम घूमने। नहीं नहीं भावना सोने जा रही है। राम राम सारा ने आज नो दूध दूध लान के भी मत को नहीं। मैं तो सो गई। गुड नाइट। जब तक मैं 2 या 3 बार ना सो लूँ ना दिन में, नींद पूरी होती है ना। तो बाय बाय गाइस। राम राम सारा। आई होप कि आपने आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा हमारा।